किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब इंसान जोर लगाता है ना तो पानी भी पत्थर बन जाता है। दोस्त ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर इंसान किसी काम को करने को ठान ले तो उसे करके ही छोड़ता है, लेकिन वो काम अगर मन से किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। आप लोगों को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे कि रस्सी को बार बार घिसने से पत्थर पर निशान आ जाते हैं, उसी तरह अगर आप किसी चीज को बार बार करोगे तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें उसे हासिल करने से नहीं रोक सकता। लेकिन ये काम एक बार करने से नहीं होता, इसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। दोस्त हिटलर का नाम आपने तो सुना ही होगा। उसने एक बात बहुत अच्छी कही थी, अगर आपको रेस जीतनी है तो पहले आपको उसमें भाग लेना होगा। जो रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते वो रेस कभी नहीं जीतते। वैसे ही अगर आप जीवन में लड़ना नहीं सीखोगे तो आप अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को कैसे फेस कर सकते हो? तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोगों में बहुत ऐसे लोग हैं जो तब तक संघर्ष करते हैं जब तक कि उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिल जाती, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ी सी परेशानी आने पर हार मानकर बैठ जाते हैं। दोस्त यह आपका जीवन है, इसमें आपको खुद लड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरे के सहारे तो कमजोर लोग लड़ते हैं, ताकतवर लोग तो अपनी रास्ता खुद बनाते हैं। जो लोग अपने जीवन में दुख समस्याओं को नहीं देखा, फिर उन्होंने अभी तक अपना जीवन शुरू नहीं किया है, और अचानक से जब समस्या देखते हैं तो खुद हार मान जाते हैं। लेकिन जिद्दी इंसान कभी हार नहीं मानता। इसलिए दोस्त जिद्दी बनो, अपने सपनों के प्रति जिद्दी बनो, अपने आप को शिखर पर ले जाने के लिए जिद्दी बनो, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और दोस्त अपने जीवन में तब तक लगे रहो जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। और अगर आप सोचते हो कि बिना कुछ किए आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी तो ये सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि ये आपका सपना बस सपना ही रह जाएगा। फिर बाद में आपको वही काम करना पड़ेगा जो आप कभी करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ेगा। इसलिए वक्त बर्बाद ना करें, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उठो, अभी नहीं तो कभी नहीं, जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए, और याद रखो जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। इसलिए मेहनत करते रहिए, फिर आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जय हिंद।